नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दक्षिण कश्मीर में चोटी काटने की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन, सुरक्षा बलों की फायरिंग में 7 लोग घायल। लालू यादव का नीतीश कुमार पर तीखा हमला, कहा दागदार चेहरा ऐसे नहीं चमकेगा पलटूराम। क्रिकेटर युवराज सिंह और उनके परिजनों के खिलाफ भाभी आकांक्षा शर्मा ने दर्ज कराया घरेलू हिंसा का मामला। गुरमीत राम रहीम का सीए छिंदरपाल अरोड़ा, 6 दिन की पुलिस रिमांड पर अरोड़ा पर हिंसा फैलाने का आरोप। प्रतिबंध के बाद दिल्ली में 1200 किलो पटाखे जब्त, 29 लोग गिरफ्तार। हरियाणवी गायिका हर्षिता दहिया की पानीपत में गोली मारकर हत्या। भिंड जिले के महगांव में ग्वालियर इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर डंपर की टक्कर लगने से ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों की मौत, 1 घायल। मध्य प्रदेश के नीमच में घर में आग लगने से दादी और पोते की मौत। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन की शुरुआत पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, आतंकवाद, अलगाववाद और धार्मिक उग्रवाद से मजबूती के साथ लड़ेगा चीन। पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी शहर क्वेटा में बम विस्फोट, कम से कम 6 लोगों की मौत। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।